विश्वानी क्लासेस में मैं अनिल विश्वानी स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का रात की 9 बजे की क्लास में। और ये है एडवांस लेवल की प्रैक्टिस सेट्स की प्रैक्टिस सेट की क्लास। और इसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस और लैंग्वेज के क्वेश्चंस मैंने अलग अलग करने की सोची है। पहले ये मिक्सअप चल रहा था, लेकिन लैंग्वेज और लिटरेचर के एक दिन लिटरेचर और एक दिन लैंग्वेज, इस तरह से हम चलाएंगे कुछ दिन तक। और फिर आपको जब आदत हो जाएगी लैंग्वेज और लिटरेचर के क्वेश्चन की, तब हम इनको अलग अलग कर देंगे, फिर से मिक्सअप कर देंगे। आप परेशान ना हो बिल्कुल। और चलें शुरू करें अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आज की, ये 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है जिसका पहला सेट जिसमें 100 क्वेश्चंस है, यानी हर सेट में 100 क्वेश्चंस होंगे। और ये सेट खत्म होने के बाद दूसरा सेट शुरू होगा। और लैंग्वेज के भी इसी तरह से 100-100 क्वेश्चंस के सेट रहेंगे। इन विच सेंचुरी वॉज पियर्स प्लाउमैन रिटन? मैंने कहा था आपको मॉडर्न लिटरेचर तक लाएंगे, आपको लास्ट से शुरुआत से और प्रेजेंट तक लाएंगे। यानी सारे क्वेश्चंस लगभग हम हर विधा के चेक करेंगे, करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चंस होंगे हमारे मॉडर्न और ओल्ड और मिडिल एज के। पहले सबसे पहले ओल्ड एज के क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर के। चलिए शुरू करिए। गुड इवनिंग सभी को। यार 2-3 दिन से मूड बहुत खराब है मेरा। जब मेरी क्लासेस कंटिन्यूअसली और बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती तो मेरा मूड ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। तो मूड इस समय बिल्कुल खराब चल रहा है, ठीक है ना। मूड बहुत अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि क्लासेस हमारी बहुत अच्छे से हो नहीं पा रहे। देखिए ये इसमें भी है, ये घुमाना शुरू हो गया, ठीक है ना। नेटवर्क की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा दे रहा है इस समय कि कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मन करता है कि मार दे 2-4 को हम जान से, लेकिन मार किसको दे हम यही नहीं समझ में आ रहा किसको मार। क्लासेस जब अच्छी नहीं होती तभी मजा नहीं आता। 14th सेंचुरी, बिल्कुल ये हमारे जेफरी चासर महाशय जो थे, हमारे इंग्लिश लिटरेचर के जो फादर कहे जाते हैं, उनके समकालीन कवि थे। और ये 14th सेंचुरी ही सही था। जेफरी चासर सर्वड विच किंग? ये रिचर्ड 3, इसका क्वेश्चन ये रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए इसको हम मिस कर देंगे। 18th सेंचुरी वर्क टॉम जोन्स। 18th सेंचुरी में जो टॉम जोन्स, देखिए मॉडर्न लिटरेचर से क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। 18th सेंचुरी वर्क टॉम जोन्स वाज रिटन बाय हुम? किसके द्वारा लिखा गया था ये जो टॉम जोन्स था? आओ भैया वेलकम है। ठीक तो चल रही है मेरे ख्याल से, दिक्कत आ नहीं रही है। हाँ 14th सेंचुरी वो हो गया। और दूसरे क्वेश्चन का आसान क्वेश्चन था, आंसर था, इसलिए मैं उस पर रुका नहीं और सीधे तीसरे पे आ गया हूं मैं। और फटाफट चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। आज मैं टाइम से भी आया हूँ, बहुत टाइम से, ठीक है ना। 9 बजे ठीक में 9 बजे, इतिहास गवाह है मैं कभी नहीं आया टाइम से। ऐसा मैम 18th सेंचुरी वर्क टॉम जोन्स, ये आप लोगों ने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ी होगी। बी ए हेनरी फील्डिंग की बेहतरीन उपन्यास है, नॉवेल है। इन 1905 वर्जीनिया वुल्फ बिगेन टू राइट विच पब्लिकेशन? किस पब्लिकेशन के लिए वर्जीनिया वुल्फ ने लिखना शुरू किया था? ये नए क्वेश्चंस हैं, इनको आप अपने पास नोट करते चलें। नोट करना बहुत जरूरी है ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये बिल्कुल नए क्वेश्चंस लग रहे होंगे आपको, ठीक है ना। पूरी लिटरेचर से क्वेश्चंस को कवर किया गया है फुल, और बिल्कुल मिक्सअप है सारा का सारा, मिक्स कर दिया है मैंने सारी की सारी लिटरेचर को। इतिहास गवाह है मैं कभी टाइम पर नहीं आया। आज मूड बहुत ज्यादा खराब है, मैं काफी चीजें सही करने की कोशिश कर रहा हूं और चीजें गड़बड़ हो जाती, ठीक है ना। लेडीज हाउस होम जर्नी, ये 4th क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, ये पहला है टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट फर्स्ट, और यही उसका उत्तर है। और आपने उत्तर ये दिया भी है, नहीं आप लोगों ने बी दिया था उत्तर शायद ना, 4th का बी दिया था। नहीं ये बी नहीं, लेडीज होम जनरल नहीं है, ये टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट है। 4th का क्वेश्चन ए सही होगा, समझ गए ना। इस टाइम ये सब तुक्केबाजी नहीं चलेगी बिल्कुल,
ये बिल्कुल नोट करिए अंशु मैम, यस बिल्कुल। जॉयस नॉवेल यूलिसिस टेक्स प्लेस ओवर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो प्रैक्टिस चल रही है ये न केवल टीजीटी के लिए है बल्कि ये पीजीटी के लिए भी है, और ये केवीएस के लिए भी है, ये एनवीएस के लिए भी है, ये एलटी ग्रेड के लिए भी है। यानी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं ये फर्स्ट ग्रेड के लिए भी है। फर्स्ट ग्रेड जो होता है हमारा, फर्स्ट ग्रेड कहाँ होता है? फर्स्ट ग्रेड राजस्थान में, और सेकंड ग्रेड, ये सभी के सिलेबस को कवर करने वाले क्वेश्चंस हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट रात में 9 बजे चलेगी ये सभी एग्जामिनेशंस को कवर करेगी, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, और चाहे वो लिटरेचर हो, तीनों का मिक्सअप चलेगा। एक एक दिन बीच में हम वोकैबुलरी भी रखेंगे, वोकैबुलरी का एक लेक्चर जो सुबह हो रहा है वो पूरी तरह से सब कुछ एंटोनिम सिनोनिम ये सब कुछ कवर करेगा। आओ भैया मनोज शर्मा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही है। 24 घंटे का ये पूरा सिस्टम, 24 आवर्स, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यूलिसिस 24 आवर्स। व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ ऑस्कर वाइल्ड? ऑस्कर वाइल्ड की नेशनलिटी क्या थी? ऑस्कर वाइल्ड की नेशनलिटी क्या थी? व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ ऑस्कर वाइल्ड? नहीं, आप लेट नहीं है बिल्कुल, प्राची मैम आ जाइए, और बहुत सही समय से है, बैठ जाइए चुपचाप, सीट अपनी ले लीजिए, खाली तो अभी बहुत सारी सीटें पड़ी हैं। 200 सेट फर्नीचर पड़ा है, और देखो तो क्लास में ये है 200 से ज्यादा बैठना चाहिए, ये नालायकी है, क्या किया जाए, प्राइवेटे कर दें, एक दिन सही हो जाए सब। 6 का बी नहीं है। ये आयरिश थे, ये आयरिश थे, बिल्कुल आयरलैंड के रहने वाले थे, आयरिश पोएट थे, ये आयरिश पोएट थे ऑस्कर वाइल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीजीटी। हु रोट द पोएम रिक्विम? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कौन वाला मिथक तोड़ दिया? किड सोप टी मिस्टिक, पता नहीं क्या लिखे हो रमेश भैया, कैसे हैं आप? हु रोट द पोएम रिक्विम? रिक्विम पोएम किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 7 का, रॉबर्ट लाउस स्टीवेंसन, यानी आर एल स्टीवेंसन ने लिखी थी क्या? बिल्कुल ये फर्स्ट वाला सही है एकदम। सी नहीं है, सैमुअल जॉनसन ने नहीं लिखी थी, ये लिखी थी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, यानी आर एल स्टीवेंसन। इसको येलो कर लेता हूं, चले नेक्स्ट। द प्रिवेलिंग फीचर ऑफ चासर्स ह्यूमर इज? क्या ये इट्स अर्बेनिटी थी, क्रूडिटी थी, या ट्रिवेलिटी थी, या सैंक्टिटी थी? एक वर्ड जो आप चासर के बारे में जरूर पढ़े होंगे, और वह वर्ड इसमें है, 4 में से एक आपको पहचानना है। आशुतोष भैया आ जाओ। हाँ सही था आपका, बहुत अच्छे। चलिए बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चंस हैं, और आपको ये करने हैं, चलो करके दिखाओ। अच्छा अच्छा डिपार्टमेंट लिखा था तुमने, टिट्स ऑफ मिस्टिक लिखा था, टिट्स ऑफ मिस्टिक लिखा था तुमने। हाँ जो हर काम में देर कर देता, तो वो तो मैं हुई, टिट्स ऑफ मिस्टिक हूं मैं। बहुत गंदा प्रोनंसिएशन है। द प्रवेलिंग फीचर ऑफ चासर्स ह्यूमर क्या था? अर्बेनिटी था क्या? ये 8वें का बिल्कुल अर्बेनिटी था, शहरीकरण, शहर,
शहर से रिलेटेड यानी पढ़े लिखे लोगों के लिए अंग्रेजी को ये ऊपर लाया। देखिए ये हमारे साथी हैं, ये अजीत भैया हैं हमारे, अशोक भैया हैं हमारे, ये जेडी भैया हैं, और ये अखिलेश तिवारी, अखिलेश वर्मा, और ये मिथुन, और ये प्रेम, और ये अजीत, और ये हमारी ऊपर नंबर 3 टॉप मोस्ट में हमारी मैम्स है। और यहाँ पर इस बार किसका फोटो लगेगा आप में से हमें बताएं, महिलाएं किस कौन अपना फोटो यहाँ देखना चाहती है। आदिम अली आओ बेटा आओ, बहुत दिन बाद क्लास में दिखाई पड़े, उस दिन दिखाई पड़े थे, एक कमेंट तुम्हारा देखे थे हम, इसके बाद फिर तो गायब हो गए। कंटिन्यूसली क्लासेस लो भैया, तो ऑफलाइन के स्टूडेंट हो हमारे। और ये बाहुबली बैच है हमारा, अपने साथियों से कहिए ज्वाइन करें अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। 3999 में LT प्लस TGT और 4999 में LT TGT और PGT, तीनों का कॉम्बो मैं पढ़ाता रहूंगा इसी तरह से कंटिन्यूसली। अगला रूबी आजाज आओ बेटा, अगला क्वेश्चन लो, सामने आ गया ये आपके। कविता नीति चतुर्वेदी, अच्छा आपका लगेगा, बिल्कुल लगेगा फोटो, अब के फोटो बहुत लगेंगे भाई विनीत भैया, बहुत फोटो लगेंगे, इंशाअल्लाह लगेंगे। सबा खान मैम, हु इज द फर्स्ट ग्रेट क्रिटिक पोएट, पहला ग्रेट क्रिटिक पोएट, क्रिटिक जो क्रिटिसाइज करता था चीजों को, एक मच्छर आदमी को जो है पंगु बना देता है, मार दिया मैंने जान से उसको, जान से मार दिया मैंने उस मच्छर को जो आया था हमारे बीच में, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता आज। हु इज द फर्स्ट ग्रेट, जब 2-3 दिन बढ़िया से क्लासेस कंटिन्यूअसली हमारी टाइमली चलने लगे, बस मूड हमारा फिर से हो जाएगा। इस समय मूड आपको लग रहा है कि खराब नहीं, खराब बहुत ज्यादा है मूड मेरा, क्योंकि कल शाम को नहीं क्लासेस हो पाई, एक बहुत दिन भर मेरा मूड खराब रहा, ठीक है ना। खैर दिन भर मैंने सदुपयोग किया, मैटर आगे का तैयार कर लिया, ये 1000 क्वेश्चन की एक पीपीटी बनवा ली है, 100 क्वेश्चन की, ये सारा हो गया तो काम मैंने कर लिया है। हालांकि अब क्लासेस जब हमारी, अब जब सुबह 8 बजे वाली क्लास बढ़िया से झक्का चल जाएगी, और कल भी क्लास चल जाएगी बढ़िया से, तब जाके हम, तब हमारा दिमाग एकदम फिर वैसे प्रफुल्लित हो जाएगा। आहा पंगु, पंगु बना देता है। हु इज द फर्स्ट ग्रेट क्रिटिक पोएट, क्रिटिक पोएट कौन था पहला, शेक्सपियर, आर्नोल्ड, बी उत्तर दे रहा है आर्नोल्ड का, बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। ये आर्नोल्ड के बजाय सर फिलिप, देखिए ना सर फिलिप सिडनी को आर्नोल्ड से बड़ा क्रिटिक माना गया है, आप इसको ये लगाइए उत्तर, सर फिलिप सिडनी आर्नोल्ड से बड़े क्रिटिक माने गए हैं, ये फर्स्ट कहा जा रहा है ये, और ये इनसे पहले जन्म लिए थे, ये इससे पहले कहेंगे तो ये फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट फिलिप सिडनी ही कहलाएंगे, फिर आर्नोल्ड, तो पहला फिलिप सिडनी ही करेक्ट होगा। हिमन टू, हिमन माने भजन होता है, टू एडवर्सिटी इज अ पोएम बाय, हिमन टू एडवर्सिटी इज अ पोएम बाय, किसकी लिखी हुई कविता है ये, थॉमस ग्रे की, अलेक्जेंडर पोप, एडवर्ड गिबन या विलियम ब्लैक, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा। हाँ सर फिलिप सिडनी फर्स्ट है बेटा, ग्रेटेस्ट कहेंगे तो हम आर्नोल्ड, अगर ऑप्शन में है तो आर्नोल्ड को हम चुन सकते हैं। अरे डेनिम जैकेट ना पहने तो बताओ, अब का पहने बताओ, एक मैडम अभी टोक के गई हो, तुम भी टोक रही हो हमको, हम कुछ पहनने छोड़ देंगे बस। थॉमस ग्रे, बिल्कुल ह्यूमन टू, ये ह्यूमन टू एडवर्सिटी थॉमस ग्रे की ही लिखी हुई कविता है, बहुत सुंदर पोएम है ये। हु रोट द पोएम द 7 एजेस, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यूज करवाओ तो थोड़ा बतियाने का समय मिल जाता है, कुछ पढ़ाओ तो उसमें कंटिन्यूअसली बोलना पड़ता है, तो एमसीक्यूज में थोड़ा सा आराम रहती है। अच्छा कास तो लगी रहा बिल्कुल, और क्या सर किसके हैं, आपके सर है ना, थॉमस ग्रे, बिल्कुल 10 में वही सही था, 11 में बताओ क्या ये विलियम शेक्सपियर है, 7 एजेस किसकी लिखी है, और मैंने एक बार, नहीं, ये शेक्सपियर की है भाई, ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है,
और मैं रमेश भैया आपसे पूछ रहा हूं, इसको मैंने आपको बताया है, ये सॉन्ग इनके किस ड्रामा से लिया गया? और वो बहुत ही फेमस रोमांटिक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है जहां से ये सॉन्ग लिया गया है, विलियम शेक्सपियर का द सेवन एजेस। उस ड्रामा में, उस ड्रामा का नाम बताइए। हु राइट द स्टोरी टेलर, ये स्टोरी स्टोरी टेलर किसने लिखी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, थॉमस ग्रे या साकी? साकी ने लिखी थी क्या? फारसी भाषा के, एज यू लाइक इट, बहुत बढ़िया, एज यू लाइक इट, वेरी गुड। ए जॉन मिल्टन नहीं है, नहीं नहीं जॉन मिल्टन नहीं थे उसके बेटा, एज यू लाइक इट की वो कविता है। कोई बात नहीं, हम है ना याद दिलाने के लिए। नहीं मचाडो अबाउट नथिंग का नहीं है, एज यू लाइक इट का है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेवन एजेस। चलो ये आ जाओ स्टोरी टेलर, 12 नंबर क्वेश्चन किसका है? 12 का डी है, बिल्कुल बिल्कुल 12 का डी, साकी की ही ये कविता है स्टोरी टेलर, मूलतः फारसी भाषा में लिखी और फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेटेड। जेन ऑस्टिन रोट ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या रेस्टोरेशन? बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पीजीटी के लिए बिल्कुल एकदम तैयार क्वेश्चन। इसका मतलब ये नहीं है कि एलटी वाले इसको नहीं पढ़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि एलटी वाले नहीं पढ़ेंगे इसको, एलटी वाले नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। लैंग्वेज लिटरेचर दोनों चलेगी, एक दिन लिटरेचर चलेगी, एक दिन लैंग्वेज चलेगी 9 बजे वाली क्लास में। इन एज यू लाइक जैकस की स्पीच थी, बिल्कुल विक्टोरियन, विक्टोरियन अच्छा रिजेंसी, विक्टोरियन के बाद, तुरंत बाद। पीडीएफ नहीं, ये क्वेश्चंस नोट करने पड़ेंगे, ये हजारों की संख्या में क्वेश्चन है, कितना पीडीएफ चाहेगा। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसको निकलवाने की, ये सब पीपीटी में तैयार होकर बन चुका है, इसकी पीपीटी बना चुका हूं मैं ना, इसलिए थोड़ा सा बनवाना पड़ेगा। आप नोट करिए इन क्वेश्चंस को, जो रजिस्टर आप लिटरेचर का बनाए थे वो यही काम आएगा इसी क्लास में, 9 PM वाली क्लास में। 13 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल ये रिजेंसी पीरियड की ही, रोमांटिक एज के तुरंत बाद, विक्टोरियन एज के शुरुआत और रोमांटिक एज के बाद, विक्टोरियन और रोमांटिक के बीच में रिजेंसी पीरियड आता है थोड़े से 25-30 वर्षों के लिए, और उसी पीरियड में जेन ऑस्टिन ने कविता लिखी, मूलतः ये पैदा हुई थी रोमांटिक एज में। वन ऑफ दीज मेन, नॉट को बोल्ड कर दिया गया, राइट ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान निम्न में से कौन ने नहीं लिखा था, यानी कौन नहीं था रेस्टोरेशन पीरियड में, रेस्टोरेशन पीरियड में कौन नहीं था? जॉन मिल्टन नहीं थे, थॉमस ग्रे नहीं थे, थॉमस ओटवे नहीं थे, सर वॉल्टर स्कॉट नहीं थे, या जॉन ड्राइडन नहीं थे? रेस्टोरेशन के कौन मेन थे पहले ये बताओ, ये जान लिए तो जान लो कि ये जान लिए कौन नहीं थे। बिल्कुल, एक क्लास में सारे पीरियड्स में डिस्कस करने वाला हूं बहुत जल्दी, लिटरेचर की क्लास में पोएम्स को रोक करके थोड़ा लिटरेचर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस और ये पीरियड्स को मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत जल्दी, मैं पीपीटी इसकी बनवा रहा हूं, कल मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि एक बार पूरा, बहुत टाइम लगता है नोट करने में। ठीक है मैम, मैं आज ही मैसेज कर देता हूँ कि इसकी भैया पीडीएफ बना लो, बच्चों को हमारे पीडीएफ चाहिए, ठीक है, वरना ये पीडीएफ अगर दे दूंगा मैं तो समस्या ये हो जाएगी कि इसको जो है आप निकलवाओगे हार्ड कॉपी तो बहुत काला पीला निकलेगा, तो बहुत ज्यादा पैसा लेगा वो निकलवाने में, तो इसको मुझे बनवाना पड़ेगा वर्ड फाइल में, मैं चेंज करवाता हूँ, ठीक है मैम, बिल्कुल ये करूंगा मैं। वन ऑफ दीज मैन डिड नॉट, इनमें से कौन ने नहीं लिखा था, तो ये सी है, सर वॉल्टर स्कॉट, बाकी जॉन मिल्टन, थॉमस ओटवे, जॉन ड्राइडन, ये तीनों रेस्टोरेशन पीरियड के पोएट है, कवि है, जॉन ड्राइडन के अलावा, जॉन सर वॉल्टर स्कॉट के अलावा।
द ब्रॉन्टे सिस्टर्स रोट ड्यूरिंग दिस पीरियड. ब्रॉन्टे सिस्टर्स कौन थी और किस पीरियड के दौरान इन्होंने लिखा? क्या ये जेन ऑस्टिन की समकालीन थी यानी रिजेंसी पीरियड की थी क्या, या रेस्टोरेशन पीरियड उसके बाद के पीरियड की थी, या रोमांटिक जो रिजेंसी के पहले आया था उसकी थी, या विक्टोरियन एज की थी? ब्रॉन्टे सिस्टर्स, एमिली ब्रॉन्टे सिस्टर्स कौन थी? ये विक्टोरियन एज की कवित्रियां थी, बिल्कुल विक्टोरियन एज की थी. हाँ बिल्कुल, ड्राइडन की एज ही, वो एज ऑफ ड्राइडन के नाम से जानी जाती, इतने तो फेमस थे वो. लिटरेरी डिविजन्स आर नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट बट वी ड्रू देम बिकॉज दे आर ऑफन कन्वीनियंट. द मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश लिटरेरी पीरियड्स आर नेम्ड आफ्टर. जितने भी पीरियड्स हुए हैं, चाहे रिजेंसी पीरियड हो, चाहे वो रेस्टोरेशन हो, चाहे वो रोमांटिक एज हो, चाहे वो एलिजाबेथन एज हो, चाहे वो विक्टोरियन एज हो, ये सारे एजेस जो हैं, ये किस वजह से इनका नाम रखा गया, ये है क्वेश्चन. क्वेश्चन ये है कि इनका नाम क्यों रखा गया, क्या ये लीडिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज थी, या मोनार्क्स और पॉलिटिकल इवेंट्स की पर रखा गया नाम इनका, या प्राइमरी ऑथर्स ऑफ द एज रखा पर रखा गया, या लैंग्वेज ऑफ द एज उस एज की भाषा पर रखा गया. 16 नंबर क्वेश्चन में अप्रोप्रिएट आपको चुनना है. और आप जानते हैं नहीं 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 लीडिंग करेक्टर्स नहीं, ये जो है मोनार्क्स और पॉलिटिकल राजाओं के नाम पर, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, है ना, तो ये जो मेन एजेस हैं ये उन्हीं के नाम पर रखी गई है. ये बी है, बिल्कुल सही, एकदम 16 का बी बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है बेटा. 16 का ए नहीं है, बी होगा मेरे लल्ला, बी बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर होगा. ठीक है, बीज. फिर कहता है विच पीरियड ऑफ लिटरेचर केम फर्स्ट, रिजेंसी, विक्टोरियन, रोमांटिक, रेस्टोरेशन, इनमें से सबसे पहले कौन आया? अभी मैंने थोड़ा सा गणित आपको समझाया था, अगर आप वो समझ गए होंगे तो उसके आधार पर बहुत बढ़िया से उत्तर दे लेंगे इसमें. अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट किया था और उस हिंट को ध्यान में रखेंगे तो इसका उत्तर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. वो हिंट क्या है? वो हिंट ये है कि रोमांटिक के बाद रिजेंसी और रिजेंसी के बाद रेस्टोरेशन, विक्टोरियन और फिर रेस्टोरेशन, ये आया था, हमने बताया था आपको. तो सबसे पहले कौन आया इन दिए हुए में से, सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले रेस्टोरेशन ऐसे था, ये सबसे पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था और फिर ये था. रेस्टोरेशन सबसे पहले आया, फिर इस रोमांटिक आया रेस्टोरेशन के बाद, रेस्टोरेट हो गया सब, और फिर विक्टोरियन एरा, और विक्टोरियन एरा के बाद, विक्टोरियन एरा बाद में आया और पहले आया रिजेंसी. रिजेंसी जो है ये विक्टोरियन और रोमांटिक के बीच की कड़ी थी, दोनों को जोड़ने वाली, जिसमें जेन ऑस्टिन थी और कई महिला अदाकारा थी. महिला अदाकारा से मतलब है महिला पोएटेस, यानी पोएटेस थी, महिला कवित्रियां. इन व्हाट लैंग्वेज डिड शेक्सपियर राइट? शेक्सपियर ने किस लैंग्वेज में लिखा था? जर्मन, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश, तीनों में से कौन सी इंग्लिश थी? हम जानते हैं कि प्राचीन काल से, एंशिएंट इंग्लिश से, इंग्लिश लगातार चासर के वक्त पे सबसे ज्यादा काम हुआ इंग्लिश पर, और वहीं से ज्यादा पहचान मिलना शुरू हुई चासर की वजह से, इसीलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं. और उसके बाद लगातार अंग्रेजी को लोगों ने मॉडिफाई कर किया, लगातार ये मॉडिफाई होती रही. तो शेक्सपियर के जमाने तक यानी 1516वीं यानी 16वीं शताब्दी में आते आते ये काफी मॉडिफाई हो चुकी थी. तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश लिखा है रमेश भैया ने हमारा 18 का, अब बिल्कुल ये मॉडर्न इंग्लिश ही है. हमारा जो मिडिल एज था, मिडिल एज के बाद ये एक बैरन एज आती है, 15वीं शताब्दी पूरी बैरन एज कहलाती है, और फिर 16वीं शताब्दी शेक्सपियर का जन्म होता है, और तभी ड्रामा का भी प्रादुर्भाव होता है, और उसमें जो लैंग्वेज लिखी गई वो मॉडिफाई हो चुकी थी और उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा गया, जो शेक्सपियर के समय में शेक्सपियर ने लिखी थी. बहुत सारे वर्ड्स, लगभग 8000 नए वर्ड्स इन्होंने फाउंड किए थे. विच वर्क वॉज पब्लिश फर्स्ट? चार में से, ब्लैक्स सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, मैरी शेलीज फ्रैंकेनस्टाइन, लॉर्ड बायरन्स डॉन जॉन,
सर वाल्टर स्कॉट, इवान हो, ये चारों रोमांटिक एज के कवि हैं, रोमांटिक एज के हैं चारों के चारों। मैरी शैली, लॉर्ड बायरन, सर वाल्टर स्कॉट और विलियम ब्लैक, ये चारों रोमांटिक एज के पोएट्स हैं और इन्होंने इन चारों की एक एक यहां पर फेमस पोएम दी गई है। लॉर्ड बायरन की मास्टरपीस, सर वाल्टर स्कॉट की मास्टरपीस इवान हो, मैरी शैली ने इकलौता मेरे ख्याल से जो लेटर्स पर आधारित एक बहुत बेहतरीन नॉवेल लिखा था, एपिस्टलरी नॉवेल जिसको कहते हैं फ्रैंकेस्टाइन, तो ये फ्रैंकेस्टाइन एपिस्टलरी नॉवेल क्या ये लिखा गया था सबसे पहले, ये पहले सबसे पहले कौन पब्लिश किया गया था, तो ये 19 नंबर क्वेश्चन का डॉन जॉन नहीं, ये ए है, विलियम ब्लैक्स की सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। विलियम ब्लैक जो कि एक पोएट और पेंटर के नाम से जाने जाते हैं, ये पोएट थे और पेंटर भी थे, पोएट एंड पेंटर कहा जाता है इनको। ऐसे भी क्वेश्चंस बनेंगे आगे कि कौन निम्न में से ऐसा है जो पोएट और पेंटर दोनों था। नहीं नहीं, ये सबसे पहले विलियम ब्लैक का सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पब्लिश किया गया। हाँ, साइंस फिक्शन है ये, बिल्कुल प्रसिडेटर माना जाता है और यहीं से शुरुआत हुई थी साइंस फिक्शन की, समझ लीजिए आप। 29 का तो 29 का ए है, 29 का सी कहा बता रहे हो, ए है भैया जितेंद्र। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज रिटन बिफोर द ऑल इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। अब देखिए एंशियंट एज में हम चले गए, बैटल ऑफ हेस्टिंग्स की बात कर रहे हैं, विलियम द कंकोरर की बात कर रहे हैं। आपको ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं जब मैंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई थी, उसको मैं दोबारा पढ़ाने का अभी प्लान कर रहा हूं एजेस वाइज, और किन एजेस में कौन कौन से पोएट्स हुए इनको थोड़ा सा रेखांकित करने की कोशिश करूंगा मैं। 4 से 5 घंटे की क्लासेस मैं इस पर जरूर करने वाला हूं, पेड बैच में जो हमारा 7 बजे चलता है उसमें ये क्लासेस बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी। बस ये कल रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, कल मैं एमसीक्यूज कराने के बाद शायद यही शुरू कर दूंगा, और ग्रामर की क्लास जो हमारी पेड वाली चल रही है उसमें ट्रांसलेशन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा 15 तारीख से, ट्रांसलेशन 15 तक नाउन चलेगा, नाउन की कम से कम 15 से 16 क्लासेस होंगी और ये 15 तारीख तक नाउन कंप्लीट कर दूंगा मैं, और 15 तारीख को ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। उसमें मैं पहले से ही सब प्लान करके रखा हूं, पेड बैच हमारा जो 6 से 8 के बीच में 2 घंटे की क्लासेस चलती है उसमें, बाकी हमारा एक 9 बजे ये चल रही है, ये क्लास 9 बजे चलती है 9 PM। इसमें लगभग सभी प्रकार के लिटरेचर और लैंग्वेज के क्वेश्चंस और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, एक दिन पूरा लिटरेचर का, एक दिन पूरा लैंग्वेज का, एक दिन पूरा वोकैबुलरी का, इस तरह से इसको मैं सेट करूंगा। ये 9 बजे चलेगी, 7 बजे हमारी वोकैब चलती है, नॉर्मन लेविस की जो वोकैबुलरी बिल्डिंग बुक है जिसमें एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस सब आपके कवर हो जाएंगे, जड़ से मजबूत हो जाएंगे। इस तरह से 4 घंटे की क्लासेस, ये एलटी ग्रेड के लिए हमारा बैच एलटी प्लस टीजीटी प्लस पीजीटी के लिए चल रहा है। जितनी मेरी श्रद्धा है, जितनी मेरी ताकत, मैं पूरी झोंकूंगा, ये मैं वादा करता हूं आपसे, पूरी ताकत लगाने वाला हूं, ये मैं वादा करता हूं। मुझे चैन नहीं मिलता, आप जानते हैं जब प्रॉपर क्लासेस नहीं चल पाती, कोई भी कारण रहा हो, चाहे वो नेट कनेक्टिविटी हो या कहीं कोई इंस्ट्रूमेंटल गड़बड़ी हो, कहीं भी कोई गड़बड़ी होती तो टेंशन मुझे बहुत ज्यादा हो जाती। कल क्लासेस नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैं बड़ा ही परेशान रहा दिन भर। ठीक है, बफ नहीं है कहीं भी, हाँ बिना पढ़ाए नहीं मजा आता हमको। एक तो वहां स्कूल में भी पढ़ाने नहीं मिल रहा इस समय, वो छुट्टी कर दिया सरकार ने, बच्चे सब रुआसे होके गए थे, बिल्कुल रुआसे होके गए थे कि सर ऐसा लग रहा था जैसे बिटिया विदा होके ससुराल जा रही हो, ऐसे बच्चे कल छुट्टी के टाइम मुंह बनाए खड़े हुए थे। ठीक है ना, लेकिन अब क्या किया जाए। ये कौन सा है, हेस्टिंग्स है, बीउल्फ है, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 20 का ए बीउल्फ ही है, जिसके राइटर अननोन है, पता नहीं है। ये एक बहादुर योद्धा था, ठीक है ना, जो 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 राक्षस को मारने जाता है, फिर उसकी माँ जो है उससे बदला लेती है और बहुत भयंकर युद्ध होता है दोनों के बीच में, और फिर ये इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि इसकी डेथ हो जाती है, और फिर उसकी कविता को किसी अननोन राइटर ने लिखा, लॉन्ग पोएम है एक, हु रोट फर्स्ट,
इनमें से चारों में से कौन पहले लिखा, किसने पहले लिखा, सबसे पहले कौन आया इन चारों में? जॉर्ज इलियट, क्रिस्टोफर मार्लो, हॉरवर्ड अरलाफसरे, विलियम शेक्सपियर, इन चारों में से पहले कौन आया? हाँ, न्यू बैच 15 तारीख से शुरू हो रहा है, ये जो ट्रांसलेशन है 15 तारीख से शुरू हो रहा है, 15 क्या चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, ये दिसंबर चल रहा है, जनवरी, 15 जनवरी से खिचड़ी उचड़ी खा के 15 जनवरी से न्यू बैच। और हमारा बैच ये कॉम्बो ही रहेगा, कॉम्बो ही रहेगा, टीजीटी पीजीटी एलटी सब पढ़ाऊंगा मैं यार, देखो सब कुछ पढ़ाना है मुझे और सबको पढ़ाना है, मैं किसी को ये नहीं कि कुछ छोड़ देना है किसी के लिए, किसी के लिए कोई क्लास बंद नहीं होती यहाँ। हार्वर्ड अरलाफ सरे, बिल्कुल सबसे पहले इन्होंने लिखा, बहुत बढ़िया। 21 नंबर क्वेश्चन, हाँ ठीक है, विच वर्क वॉज कंप्लीटेड लास्ट, इनमें से कौन सबसे लास्ट में कंप्लीट किया गया? ये वन लाइनर की तरह आपको नोट कर लेने हैं अपने पास, जो रजिस्टर मैंने बनवाया है, एक ग्रामर का रजिस्टर बनाया आपने, एक वोकैबुलरी का रजिस्टर बनाया है और एक लिटरेचर का रजिस्टर बनाया है। ये जो क्लासेस हैं ये लिटरेचर की, ये आप वन लाइनर की तरह उसमें नोट भी कर लें, ठीक है ना, कॉपी किताब लेकर बैठे, कान में लीड लगाकर बैठे, बच्चों को सुला दें, हस्बैंड को सुला दें और फिर 9 बजे की क्लास को बढ़िया विधिवत तरीके से बैठ के मन लगा के तैयारी करें, ठीक है। अरे फी वत्तन है यार, तो बहुत बड़ा हुआ, कोचिंग कोचिंग थोड़ी है, ये तो पर्सनल डायरी है हमारी, हम पर्सनली बच्चों को ट्रीट करते हैं, मगर लाइक नहीं करोगे तुम, 130 लोग देख रहे हो, 82 लाइक है, शर्म नहीं आती तुमको, मतलब 50 लोग नहीं लाइक किए उसको, ये हाल है, 127-128 लोग देख रहे हैं और लाइक है वहां पे 82, मतलब शर्म आनी चाहिए तुमको, हमको कुछ मतलब नहीं, हमका लाइक खाना थोड़ी देगा, करो चाहे ना करो, ठीक है ना। ये जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट सबसे बाद में आई, जॉर्ज हर्बर्ट टेम्पल ये पहले आई, विलियम शेक्सपियर की सबसे पहले ये आई, बेन जॉनसन उसके बाद आई, टेम्पेस्ट और फिर टेम्पल, वॉलपोल और फिर टेम्पल और फिर लास्ट में आई जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट 17वीं शताब्दी में, और ये सब 16वीं शताब्दी के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड बट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 20th सेंचुरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, 130 लोग देख रहे हो, 101 लोग लाइक किए हो, मतलब ये तो बहुत नाइंसाफी है मेरे साथ। अरे बेसिक ग्रामर पढ़ा तो रहे हैं और कैसे पढ़ाएं, बिकॉज दीक्षा कह रही मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया 10 बजे के बाद घर आया करो, ऐसे ना बोलो पगलिया, हस्बैंड है वो कोई बेचारा, तो सबकी हालत मेरन जैसी है क्या, दुनिया भर के हस्बैंड बेचारे दया के काबिल होते हैं सब। अच्छा ये बाहर वाले हैं जो लाइक नहीं करते, अरे बाहर अंदर कोई थोड़े होता, सब अपने बच्चे हैं प्यारे दुलारे, सब बच्चे एक ही जैसे होते हैं, सबकी मेंटेलिटी एक जैसी होती है, सब स्टूडेंट होते हैं और सब थोड़ा थोड़ा नालायक होते हैं। चलो, क्रिस्टीना रोजिटी, जेरार्ड मैनली, होपकिंस, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग या रॉबर्ट ब्राउनिंग पत्नी और या टेड ह्यूजेस, इसमें से कौन? टेड ह्यूजेस पढ़ा चुका हूं मैं, टेड ह्यूज पढ़ा चुका हूं मैं, ह्यूजेस, टेड ह्यूजेस हैं ये और इनको मैं पढ़ा चुका हूं रियलिटी के कोर्स में। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप बता रहे हैं सी, ना ये है बी, ये है बी, अच्छा ठीक है भाई, ये बी है, जेरार्ड मैनली होपकिंस, इनको 20वीं शताब्दी में पब्लिश किया गया। इनके वर्क को बाद में पढ़ा गया और फिर पब्लिश किया गया। दिस वर्क वॉज नॉट ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 20th सेंचुरी, इनमें से कौन 20th सेंचुरी में पब्लिश नहीं किया गया था वास्तविक रूप से? क्या ये हेनरी जेम्स की द एम्बेसडर्स थी, या थॉमस हार्डी की टेस्ट ऑफ यू डर्बरविल थी, या ईएम फोस्टर की अ रूम विद अ व्यू थी, वर्जीनिया वुल्फ की मिस्टर डॉलिव थी? ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था नेट में, नेट के पेपर सेकंड में, नेट पेपर सेकंड में,
पेपर सेकंड पेपर में यार क्वेश्चन आया था 24 क्वेश्चन नंबर। बिल्कुल गुड इवनिंग भैया सीधे। अरे सीधी यार तुम बहुत नालायक ही निकलो भाई, अब तो कंटिन्यू क्लास लो बस, गुस्सा मत लगवाओ मेरे को ठीक है। तुमको मैंने ग्रुप से जोड़ दिया है और बढ़िया से क्लासेस ले रहे हो, तो मुंह छुपा के ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, बस इतना करो और कुछ नहीं ठीक है ना बेटा। 24 उस दिन गाना सुनाए थे तुम लोगों को, गाना वो हमको भेज दिया नालायक, वो गाना में यूट्यूब भेज दिया हमको नोटिफिकेशन, कहा तू गाना कैसे चला लिए, ये तो क्लेम कर दिया हमारे ऊपर यार। बताया यार सीधा साधा आदमी मैं क्या जानू ये सब चीजें, अंदर तो हम कहा भाई गाना नहीं गाएंगे हम किसी फिल्म का, वो कहा बताए गाना गाओ तो क्लेम कर देता है वो। ये 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल सही है, थॉमस हार्डी की टेस्ट ऑफ डर्वबिलीज ही सही है। ये ओरिजिनली 20th सेंचुरी में पब्लिश नहीं की गई थी, बाकी सब की सब 20th सेंचुरी की पोएम्स रचनाएं हैं। Which poet did not write during the 16th century? 16th century का इनमें से कौन नहीं है? 16th century का नहीं है। देख रहे हैं उसमें कई सारे नाम हैं जो आप पहले से जानते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ आप दोनों जानते हैं आ ही नहीं रहे, तो ये सब मिक्स्ड हैं। ये नेट के हैं, कुछ क्वेश्चन नेट सेकेंड पेपर से हैं, कुछ पीजीटी से हैं, है ना, कुछ आरपीएससी से हैं, ठीक है ना, और ये सब अलग अलग क्वेश्चन हैं, मिक्स किए गए हैं, कुछ 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 केवीएस के हैं, है ना, कुछ एनवीएस के हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से, तो ये क्वेश्चन इसीलिए आपको जो है थोड़े से टेढ़े लग रहे हैं। सर जी सारे क्वेश्चन खोपड़ी क्या, बिल्कुल जाने चाहिए खोपड़ी से ऊपर, मैं यहां तुमको लॉलीपॉप खिलाने के लिए थोड़ी बैठा हूं, लॉलीपॉप खाना है क्या, ये सारे क्वेश्चन तुम कर लो, ये 1000 क्वेश्चन जो आपको ना आपको बूस्ट कर देंगे लिटरेचर में, बिल्कुल 1000 क्वेश्चन की सीरीज है ये, जिसका 25वां क्वेश्चन है ये, 125 होगा फिर 225 फिर 525 फिर 825, समझ रहे हैं, ये ऐसे चलेगा क्रम। डी उत्तर बता रहे हैं 25 का, और बिल्कुल 25 का डी थॉमस कैरी सही है, बिल्कुल ट्रू ब्यूटी के राइटर। हिस्टोरिकल इवेंट्स आर ऑफन इन्फ्लुएंसेस लिटरेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट अकर ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, घटनाएं होती है, वो अक्सर लिटरेचर को प्रभावित करती है, निम्न में से कौन सी घटना रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, नॉट, क्या चार्ल्स सेकंड वॉज रिस्टोर्ड टू द थ्रोन, आपको याद है हिस्टोरिकल इवेंट्स में ये सारी इवेंट्स हुई थी, जब मैंने मिल्टन आपको पढ़ाया था तो मिल्टन के समय में ये सारी घटनाएं आपको मैंने पढ़ाई थी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था क्या, द ग्रेट लाइफ फायर ऑफ लंदन, इसका जिक्र नहीं है लिटरेचर में क्या, द एक्सकर्शन बिल क्राइसिस क्या, इसका जिक्र, ये सारे की सारी वो घटनाएं हैं जो इतिहास में बहुत फेमस रही लिटरेचर में, इनका जिक्र है कि नहीं है, इनमें से कौन का जिक्र नहीं है, बाकी तीन का जिक्र है एक का जिक्र नहीं है। 26 क्वेश्चन नंबर का बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बी, बिल्कुल कहीं भी फ्रेंच, Which of the following did not occur during the restoration? ये restoration के दौरान नहीं, French Revolution Romantic Age के दौरान आया था। बाकी Charles II का ये 1660 था शायद, क्यों 1660 था क्या, restore किया था उसने Great Fire of London, ये restoration की है, और एग्जीक्यूशन बिल क्राइसिस ये भी, ये मिल्टन के समय की है, ये दोनों मिल्टन के समय की घटनाएं। He was not a Renaissance writer, इनमें से कौन Renaissance writer नहीं है, Renaissance रोमांटिक एज, रोमांटिक एज Renaissance विक्टोरियन, है ना, रिजेंसी, ये सारे पीरियड्स एक के बाद एक, उनमें से कौन ऐसा है जो Renaissance के दौरान नहीं था, क्या विलियम शेक्सपियर नहीं थे, सर फिलिप सिडनी नहीं थे, क्रिस्टोफर मार्लो नहीं थे, सर थॉमस मैलोरी नहीं थे, और एक को उसमें से जानते हैं आप, वो किस एज का कवि है ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं,
वर्ड्सवर्थ के टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो रोमांटिक एज था बेटा। 27 का शेक्सपियर, बिल्कुल विलियम शेक्सपियर रोमांटिक एलिजाबेथन एज के कवि पोएट है, राइटर है, रेनेंसा के नहीं, बाकी तीनों रेनेंसा के राइटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सब पीरियड डज नॉट फॉल अंडर द न्यू क्लासिकल पीरियड, न्यू क्लासिकल पीरियड के अंडर कौन नहीं आता है, क्या रेस्टोरेशन, जैकोबियन या अगस्टन एज या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। 28 क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी सब पीरियड डज नॉट फॉल अंडर द न्यू क्लासिकल, न्यू क्लासिकल के अंडर कौन नहीं आता है, क्या रेस्टोरेशन नहीं आता है, जैकोबियन नहीं आता है या अगस्टन नहीं आता है या एज ऑफ सेंसिबिलिटी नहीं आता। ये सारी एजेस बहुत जल्दी मैं क्लास में कवर करने वाला हूं, ये एक तरफ से सारी की सारी पढ़ाऊंगा मैं। ये जैकोबियन ही सही उत्तर होगा इसका, बिल्कुल क्लियर एकदम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर केम लास्ट, इनमें से चारों में से सबसे बाद में कौन आया, एलिजाबेथन, कॉमनवेल्थ पीरियड, जैकोबियन एरा या मिडिल इंग्लिश पीरियड, सबसे बाद में कौन आया और सबसे पहले कौन आया, ये जान लोगे तो सब एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये सब आता चला जाएगा, और नीचे से शुरू करना तो ज्यादा अच्छा है। ये हो गया नंबर एक, नंबर दो हो गया, नंबर तीन हो गया और नंबर चार हो गया, समझ रहे हैं, यही तो है सिस्टम, यही सिस्टम है, बिल्कुल कॉमनवेल्थ नंबर चार पे आएगा, बिल्कुल कॉमनवेल्थ नंबर चार पे आएगा। दिस वर्क वॉज रिटन बिफोर द अदर थ्री चॉइसेस, ये चार जो ऑप्शंस हैं इनमें से एक तीनों से बाकी तीनों के पहले लिखा गया था, जो दूसरे तीन हैं उनसे पहले लिखा गया था। 30 नंबर क्वेश्चन, नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, दिस वर्क वॉज रिटन बिफोर द अदर थ्री चॉइसेस, 30 नंबर क्वेश्चन, क्या यह बेट्स एंड एक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है, या जूलियंस ऑफ नॉर्विच बुक ऑफ शोइंग है, या चासर्स कैंटरबरी टेल्स है, या सर थॉमस मोर्स उटोपिया है 1516 वाली, और ये 1314वीं शताब्दी, ये है 16वीं शताब्दी, है ना, तीनों के पहले कौन लिखी गई थी, तो सबसे पहले कौन लिखी गई थी यही पूछ रहा है वो, बिल्कुल 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 ए होगा, ये होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा सी वाला, नंबर एक, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और फिर नंबर चार, मॉडर्न एज हो गया ना। तो मैं एक बार शेड्यूल बता दूं आपको, 7 बजे नॉर्मल लेविस, 7 AM नॉर्मल लेविस, 6 बजे लैंग्वेज आपके लिए पेड बैच की, और 7 बजे लिटरेचर पेड बैच की। तो ये क्लासेस तो बंद रहती हैं, लेकिन 7 AM की और ये 9 PM प्रैक्टिस की, ये क्लासेस ओपन रहती हैं, और आप लोग इसका लाभ उठाइए पूरी तरह से, जो पेड बैच नहीं लेना चाहते वो इनका लाभ उठाएं और कंटिन्यूअसली क्लासेस को देखें लगातार। हमारा जो बैच है वो ऑन है अभी भी, और एक नया बैच हम 15 जनवरी को शुरू कर रहे हैं, ये तीसरा बैच है, मैंने कहा था इसके बाद बैच नहीं शुरू करूंगा, लेकिन रोज मैसेज यही है कि नया बैच है, अरे भैया का रोज नया बैच कहां से लाई यार, ये नहीं समझ में आ रहा, रोज कहां से नया बैच लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चंस कम से कम मैं कोशिश करूंगा जरूर, ग्रामर के कम हो पाते हैं, लिटरेचर के ज्यादा हो जाते हैं, तो 30 क्वेश्चंस मैं जरूर कवर करूंगा लिटरेचर के प्रत्येक क्लास में। कल लैंग्वेज की क्लास होगी इसी समय 9 बजे, और आज लिटरेचर हुई है, कल लैंग्वेज, और परसों फिर से यहीं से शुरू करेंगे। भैया जेडी शुक्ला कैसे हैं आप, मानवीर भैया से भी हाल चाल ले लिया करिए, और एक बात बताएं जेडी भैया,
मानवीर को आप दोस्त समझते थे क्या? हैं भी, लेकिन वो मानवीर एक्चुअली था ही नहीं जो मानवीर की आईडी से आता था, वो मानवीर नहीं थी। ये बाद में पता चला जब उसका एक नंबर से रह गया। बहुत परेशान था बेचारा, आपका तो सिलेक्शन हो गया था और वो बहुत परेशान रहा है कुछ दिन तक। दोनों मियाँ बीबी बहुत परेशान रहे हैं और फिर हमसे बात हुई है और हमने ढांढस बताया और उसी दिन उसने पोल भी खोली अपनी, कहा सर सर जो है वो हमारी मैडम जी है, नूतन मैडम, वो तैयारी करती हैं और मैं भी जो है जूनियर के लिए लगा हुआ हूँ, जूनियर और प्राइमरी के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है ना। तो ठीक है फिर। साउंड क्या, साउंड नहीं आ रही है? साउंड तो बढ़िया आ रही है, अब साउंड का क्या काम है। गुड नाइट। मंजूर किधर है? क्या हम बताएं, आता है बीच बीच में कभी कभी क्लास में और इसके बाद नहीं आ रहा है। अब इस समय मेंस में लगा है वो, जीआईसी लेक्चरर के मेंस में लगा हुआ है पूरी तरह से। हाँ ठीक है, पीडीएफ दे देंगे, रो मत प्राची। रो मत, ठीक है पढ़ा देंगे सर एलटी। अरे निकल जाएगा भाई, इतने लोग मानवीर के बेस में मानवीर नहीं है। अरे ये तो हमारी क्लास में चलता ही रहता है। जेडी भैया रोज आप आते हैं क्लास में, बहुत अच्छा लगता है हमको, ठीक है ना। मानवीर भैया, मानवीर ही हो, नमस्कार कर लो भाई जेडी भैया से। चलते हैं फिर, मिलते हैं और कल सुबह की क्लास में। सुबह की क्लास 7 बजे नहीं रखना चाहता मैं, 8 बजे रखना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल मेरा 10 बजे का हो गया है। जेडी भैया आपका भी 10 बजे का होगा, ठीक है। पीडीएफ अभी हम कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। मिलता हूँ फिर, थैंक यू।